देखिए बच्चों ना, थर्ड लेसन क्या है? साहसी बालक यानी करेजियस, बालक यानी बच्चे को क्या बोलते? बालक भी बोलते हैं। आप लोग भी पेज नंबर सिक्स पर लेसन थर्ड लेसन निकाल कर आप भी ध्यान लगाकर देखिए। अब मैं लेसन रीडिंग कर रही हूँ और लेसन एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, और आप भी निकाल कर देखिए लिस्ट को। हॉलैंड की बहुत सी भूमि समुद्र तल से नीचे है। हॉलैंड की बहुत सी भूमि यानी अर्थ भूमि, अर्थ समुद्र तल, सी लेवल। समुद्र तल बोलते क्या? सी लेवल के नीचे है, नीचे यानी नीचे, डाउन। इस कारण कभी कभी समुद्र का पानी हॉलैंड के भूभाग में प्रवेश कर जाता है। कभी कभी समुद्र का पानी, समुद्र यानी सी, समुद्र का पानी हॉलैंड के भूभाग के में प्रवेश कर जाता है, भूभाग में प्रवेश कर जाता है। इससे हॉलैंड को बहुत नुकसान यानी लॉस, बहुत सा नुकसान होता है। गांव में समुद्र का पानी ज़्यादा होने से सभी नुकसान होते हैं, खेती को, घर को, घरों को, घर कई घर गिर जाते हैं, कई घर डूब जाते हैं, और खेतों में भी बहुत से नुकसान होता है, नुकसान उठाना पड़ता है। समुद्र के पानी में से बचने के लिए वहाँ के लोगों ने दीवार बना ली। समुद्र का पानी ज़्यादा आने से क्या हो रहा है? समुद्र का पानी ज़्यादा आने से गाँव में पूरा पानी भर जाता है, कई घर गिर जाते हैं, खेतों में नुकसान होता है, खेती में पूरे नुकसान होकर अपने को सही क्रॉप नहीं आता, फसल नहीं होती। इसी तरह ये गांव के लोगों ने क्या किया? एक समुद्र का पानी और गांव के दोनों के बीच में दीवार यानी वाल बना ली। इस दीवारों को डेक्स कहते हैं। उस दीवार को, जो दीवार को गांव में बनाया ना, पानी के उस पार बनाया, उसको क्या कहते हैं? डेक्स कहते हैं। एक दिन की बात है शाम का समय था। शाम यानी इवनिंग, समय, टाइम। अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगा। शाम के टाइम में कैसा होता है? अंधेरा यानी डार्कनेस धीरे धीरे फैलने लगा। सब लोग अपने घरों को लौट रहे थे। सब लोग शाम के टाइम में, इस टाइम सब लोग क्या करते हैं बच्चों? अपना काम पूरा करके घर को लौटते हैं। जैसे खेती में काम करने वाले घर को जाते हैं, जॉब करने वाले, कहीं दूर दूर से आने वाले भी शाम के टाइम अपने घर को लौट जाते हैं। 12 वर्ष का एक बालक पीटर शाम के समय समुद्र के किनारे गया। 12 वर्ष यानी साल, उम्र भी कहते हैं। 12 वर्ष का एक बालक यानी चाइल्ड, 12 वर्ष का एक बालक पीटर, उसका नाम क्या था बच्चों? क्या था? पीटर। कितने साल का था वह? 12 साल का था। पीटर नाम था उसका। शाम के समय समुद्र के किनारे गया। शाम के समय, शाम यानी इवनिंग टाइम, कहाँ गया वो? समुद्र के किनारे। समुद्र यानी सी, कहाँ गया? समुद्र के किनारे। किनारे यानी कॉर्नर, समुद्र के किनारे कॉर्नर पे गया। उसे वहाँ पानी के छल कर बहने की आवाज सुनाई दी। पानी की आवाज कैसी आती? पानी जब तेजी से आता है तो कैसी आवाज आती है? झरझर कर आवाज आती है। उसे दीवार सुनाई दी। यह दीवार की ओर ध्यान से देखने लगा। दीवार की ओर कैसे देखा? ध्यान से देखने लगा। उसे दीवार में एक छेद दिखाई पड़ा। उसे दीवार में क्या दिखाई पड़ा? छेद यानी होल, जहाँ से पानी गिर रहा है उसको क्या कहते हैं? लीक भी कहते हैं और उसको होल भी कहते हैं। छेद दिखाई पड़ा, उसी से पानी निकल कर जा रहा था। उसी से पानी, जहाँ से भी वो होल गिरा ना, वहाँ से पानी निकल कर जा रहा था। वह जानता था कि छेद को बंद नहीं किया गया तो हानि अधिक होगी। अगर जहाँ से भी वो पानी गिरा हो, अगर अपन कुछ भी अगर उसको नहीं लगा तो क्या होता बच्चों? पानी पूरा गांव में आ जाता और बहुत सा नुकसान होता। छेद को बंद करने का प्रयत्न किया पर छेद बंद नहीं हुआ, क्योंकि पानी बहुत तेजी से था, इसलिए वो चाहे छेद यानी होल बंद नहीं हुआ। पानी उसी प्रकार बाहर आने लगा।
रात बढ़ने लगी, जैसे जैसे रात हुई अंधेरा हो रहा, रात बढ़ने लगी, भूख सताने लगी। बेचारा कुछ खाया भी नहीं और कुछ खाने के लिए भी नहीं है वहाँ। रात बढ़ने लगी, भूख सताने लगी, वहाँ से हटना उसने उचित नहीं समझा। अगर यहाँ से वहाँ चले गए तो क्या होता, और जब गोलमेज का पानी पूरा इधर आता, इसीलिए वहाँ से वो हटा नहीं। रात बीत गई, रात क्या होगी, रात बीत गई, रात पूरी हो गई, वैसे ही हाथ पकड़ करके ठहरा हुए। सवेरा हुआ, मॉर्निंग हो गई, रात पूरी ठहर कर मॉर्निंग हो गई, लोग वहां से आने जाने लगे। जब रात होगी तो सब सब घर को चले गए। अब जब सुबह हो गई तो सब अपने अपने कामों को निकल पड़े। जो भी खेती के काम में जा रहा था सब खेती में आ रहे, सब लोग गांव के बाहर निकल पड़े। जब लोग सब देखने लगे कि उन्होंने किस दृश्य को देखा, किस दृश्य यानी पिक्चर, किस पिक्चर को देखा कि बालक बेहोश था। बेहोश यानी कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, रात पूरी ऐसी ही ठहरा, क्योंकि वो छेद को बंद करने में वहां ऐसे ही रात पूरी ठहर कर वहां बेहोश हो गया। बेहोश यानी अनकॉन्शियस, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, ऐसे ही ठहरा। लोगों ने उसका उपचार किया, लोगों ने उसको उपचार यानी उसकी सर्विस की, उपचार किया उस बालक से, बालक के साहस की हर जगह। उन्होंने दृश्य को देखा, बालक बेहोश था, बेहोश यानी अनकॉन्शियस था। लोगों ने उसका उपचार किया, वह बालक के साहस की हर जगह प्रशंसा की। बालक के बाद हर जगह, हर गांव में, हर जगह बालक की प्रशंसा की। बालक को सब प्रेस करने लगे, सब उसको उसके बारे में ही बोलने लगे कि रात पूरी ये ऐसे ही ठहर कर रहा था, पानी छेद को रुकाने के लिए ऐसे ही ठहरा था। उस बालक ने अपनी जान की परवाह ना करके गांव को बचाया था। बालक ने क्या किया, अपनी जान की परवाह ना करा, अपनी जान की परवाह ना करा, रात पूरी ऐसे ही ठहरा, कुछ खाया ना पिया, और अपन कुछ खाया नहीं, अपने पूरे गांव की, हर लोगों की रक्षा करा, गांव को बचाया। और पीटर नाम का एक लड़का था, कितने साल का था वह, 12 साल का पीटर नाम का एक लड़का, उन्हें जान पे ठहर कर सबकी, सब लोगों की, सब गांव वालों की जान को बचाया। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए बच्चों, वह छोटा, एक छोटा सा बालक सभी लोगों की सहायता, सभी लोगों की मदद करा। कौन, पीटर नाम का एक 12 साल का लड़का था। देखिए यहाँ पर शब्दार्थ, शब्दार्थ यानी मीनिंग्स। फर्स्ट मीनिंग क्या है, समुद्र तल, समुद्र तल यानी सी लेवल, समुद्र यानी सी, तल यानी लेवल, उसका लेवल, प्रवेश करना, टू एंटर, प्रवेश आना, एंटर होना, प्रवेश करना, टू एंटर, नुकसान, लॉस। अगर अपने को कोई चीज अगर गिर गई तो वो जाने पर क्या होता, लॉस, उसी तरह यहाँ नुकसान, लॉस, अंधेरा, अंधेरा, डार्कनेस,
देखा? पीटर ने क्या देखा? क्या देखा बच्चों पीटर ने? पीटर ने पीटर को वहां पानी बहने की झरझर की आवाज सुनाई दी। उसने दीवार को देखा, तब उस दीवार में एक छेद दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? एक छेद, छेद यानी होल। थर्ड क्वेश्चन, पीटर की घबराहट क्यों बढ़ने लगी? पीटर की घबराहट, घबराहट यानी डर क्यों बढ़ने लगा? वह जानता था कि छेद को बंद नहीं किया गया तो हानि अधिक होगी, इस कारण उसने छेद को बंद करने का प्रयत्न किया, पर छेद बंद नहीं हुआ, पानी उसी प्रकार बाहर आने लगा। उसने सहायता के लिए पुकारा, वहां कोई नहीं दिखा, कोई नहीं था, उसकी घबराहट बढ़ गई। किसकी घबराहट? पीटर की घबराहट बढ़ गई। फोर्थ क्वेश्चन, पीटर ने पानी कैसे रोका? कैसे रोका पानी को? पीटर ने अपने हाथ से, हाथ से पानी को रोका। पीटर ने अपने हाथ से पानी को रोका। फिफ्थ क्वेश्चन, पीटर की प्रशंसा क्यों की गई? पीटर की प्रशंसा क्यों की गई? आंसर, पीटर ने जान पर खेलकर, जान पर खेलकर गांव के को बचाया था, इस कारण लोगों ने पीटर की प्रशंसा की। थर्ड, हाँ या नहीं? थर्ड, हाँ या नहीं? पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 पर थर्ड है ना, हाँ या नहीं? यस और नो, और ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स, हाँ या नहीं? फर्स्ट वन, पीटर इंग्लैंड का रहने वाला था। इंग्लैंड का रहने वाला था, कहाँ का रहने वाला था? पीटर, पीटर कहाँ का था? इंग्लैंड का रहने वाला था। क्या बच्चों बोलो? नहीं, कहाँ का? आयरलैंड का, आयरलैंड का रहने वाला था। पीटर 12 वर्ष का बालक था, हाँ या नहीं? हाँ, पीटर 12 वर्ष का था, हाँ। पीटर ने मिट्टी में छेद बंद किया, मिट्टी में छेद बंद किया, और दीवार में किसमें? पीटर मिट्टी में छेद बंद कर दिया, नहीं, पीटर दीवार में छेद बंद किया। पीटर बेहोश हो गया, हाँ या नहीं? पीटर बेहोश हो गया क्या बच्चों? हाँ, पीटर बेहोश हो गया। हेलेन वालों ने पीटर की प्रशंसा की, पीटर की प्रशंसा की ना बच्चों? हाँ, पीटर ने सब प्रशंसा, पीटर की प्रशंसा की हेलेन के लोगों ने।